आज हम बनाएंगे बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी आटा गुड़ सूजी केक। और इस केक को हम बनाएंगे कढ़ाई में। तो चलिए फटाफट ये बहुत ही मजेदार केक की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे 1 कप गुड़ का पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का गुड़ का पाउडर ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पतंजलि का ली हूँ। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। सेम कप से हम गुड़ का पाउडर लेंगे और सेम कप से ही पानी भी। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गुड़ का पाउडर है तो इसको गलने में समय नहीं लगेगा। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब एक दूसरे बाउल में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी। यहाँ पर हम महीन वाली सूजी लेंगे। महीन सूजी नहीं है तो मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। 1/4 कप मिल्क पाउडर। सेम कप या कटोरी से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। सारी चीजों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये गुड़ का पानी इसमें डालेंगे छानकर, जिससे कि अगर कोई गंदगी नीचे है तो वो निकल जाए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर देखिए सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अभी हम इसको ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। लगभग 15 मिनट हो चुका है और देखिए सूजी फूल चुकी है, जिसकी वजह से ये बैटर गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे। यहाँ पर लेंगे 1/2 कप दही। थोड़ी खट्टी दही है इसलिए मैं 1/2 कप ली हूँ। अगर आप ताजी दही ले रहे हैं तो 1 कप ले लीजिए। 1/2 कप ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि फ्लेवरलेस ऑयल लेना है। 2 चुटकी नमक, सादा नमक है। 1/2 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और 2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब सारी चीजों को कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस देखिए सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर हार्ट शेप में केक टिन ली हूँ, आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। अब इस पर लगा दे रही हूँ इको बेक पेपर कट करके। आप चाहे तो बटर पेपर ले लीजिए, लेकिन बटर पेपर ले रहे हैं तो उसको ग्रीस करना पड़ेगा, इसको ग्रीस करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। इधर मैं 10 मिनट पहले ही कढ़ाई रखती थी प्री हीट होने के लिए, और इसके अंदर एक रिंग रखती हूँ। अब ये केक टिन इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। वैसे तो इसको 30 से 40 मिनट के लिए बेक करना है, लेकिन 10 मिनट के बाद एक बार हम इसको चेक करेंगे और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। तो लगभग 10 मिनट के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर ली हूँ काजू और बादाम, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल दीजिएगा, मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही डाल रही हूँ। अब इसको फिर से ढककर पकने देंगे। लगभग 30 मिनट हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे। तो इसमें हम टूथपिक इस तरह से बीच में डालकर देखेंगे। तो टूथपिक अभी देखिए थोड़ा गीला लग रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से नहीं बेक हुआ है। 5 मिनट के लिए और बेक होने देंगे। तो पूरा इसको बेक होते हुए 40 मिनट हो गया है, एक बार फिर से चेक करेंगे। बीच में फिर से टूथपिक डालेंगे। तो इस बार देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब बहुत अच्छे से ये बेक हो गया है। तो अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसके साइड्स को पहले इस तरह से क्लियर कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा ये केक दिख रहा है। ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी, और कलर भी आप देख पा रहे होंगे बहुत प्यारा आया है। तो अब इसको सीधा करेंगे। तो ये लीजिए आटे और गुड़ से हमारा ये केक बनकर तैयार हो गया है। तो इस केक को मैं बनाकर सभी को खिलाई, सभी को बहुत पसंद आया। इतना ज्यादा टेस्टी था कि फिर बच्चे बोलने लगे कि मम्मी इसी तरह से फिर से एक बार बना दो। तो मुझे नेक्स्ट डे फिर से सेम इसी तरह से केक बनाना पड़ा, इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार सेम मेजरमेंट के साथ, सेम चीजों के साथ आप भी इसी तरह से केक बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि कितना ज्यादा सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इसका टेक्सचर ही देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया केक बना है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से बेक भी हो गया है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो
इस केक को आप किसी को भी खिलाएंगे, कोई भी बिना तारीफ के रह नहीं पाएगा, आपकी तारीफ जरूर होगी। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार गुड़ के केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसी तरह से और भी ज्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।